गुना शहर में कांग्रेस ने हनुमान चौराहा नगर पालिका पर विरोध धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीतियों, किसान की आर्थिक परेशानियों, बिजली बिलों में बेतहाशा वृद्धि, खस्ता हाल सड़कें, महिलाओं और बालिकाओं से दुराचार अत्याचार आदि मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मेहरबान सिंह ने कहा कि सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। प्रदेश के किसान कर्ज में डूबते जा रहे हैं। प्रदेश में महिला अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जिससे नाबालिग बालिकाओं से दुष्कर्म की घटनाओं के मामले अधिक हैं। सड़कों की हालत खस्ता हाल है। बिजली बिल में मनमाने ढंग से पैसा वसूला जा रहा है। धरने के बाद कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आज जो धरना प्रदर्शन का जो आयोजन हो रहा है, ये हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर हर ब्लॉक में धरना प्रदर्शन का और ज्ञापन देने का ये कार्यक्रम हर जगह हो रहा है। और उसमें जो मूलभूत जो बातें हैं, सब में पहले तो जो किसानों की जो फसलें हैं उनका उनको सही भाव नहीं मिल पाता और उनकी जो लागत है वो दोगुनी उनकी लागत होती है, और जो भाव है वो बिल्कुल आज से 10 साल पहले जो भाव था सोयाबीन का वो भाव आज, इसीलिए लोग उस भाव के लिए दूसरा हरिजन आदिवासी अल्पसंख्यक गरीब लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वर्तमान में, कहीं किसी के साथ ट्रैक्टर चढ़ाया जा रहा है, कहीं किसी की पिटाई हो रही है, तो ये गरीब लोगों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ भी ये धरना प्रदर्शन है। इसी तरह मध्य प्रदेश विद्युत विभाग के द्वारा अनाप शनाप गरीब लोगों को बिल दिए जा रहे हैं। इसी तरह जो किसानों की जो कनेक्शन है, 5 का कनेक्शन है उसको 7.5 का कर दिया है, 7.5 का उसको 10 का कर दिया, 10 का उसको 12 का कर दिया, अपने आप बढ़ा रहे हैं। चाहे